स्वच्छ शहर इंदौर में पानी के लिए जनता परेशान है। बुधवार को शहर के कई कॉलोनियों में जल प्रदाय नहीं हुआ, इसका कारण जलूद में हुए फॉल्ट को बताया जा रहा है, जिसके चलते शहर की 12 टंकियां बुधवार को खाली रह गई। बुधवार को शहर के अनेक क्षेत्रों में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ा। जलूद में हुए फॉल्ट के चलते शहर को जल प्रदाय करने वाली 12 टंकियां पूरी तरह से खाली रह गई, इसके चलते हजारों घरों में नलों से पानी नहीं आया। मंगलवार रात जलूद में नर्मदा पेयजल योजना के द्वितीय चरण के पंप बंद हो गए थे। तृतीय चरण के पंप में भी खराबी आ गई थी, इसके चलते इन पंपों के माध्यम से इंदौर को मिलने वाले 307 एमएलडी पानी के स्थान पर 270 एमएलडी पानी ही मिला। कई क्षेत्रों के निवासियों का कहना है कि नगर निगम ने टैंकर की व्यवस्था भी नहीं की, जिसके चलते परेशानी बढ़ गई। अन्नपूर्णा सुभाष चौक, सदर बाजार, बिरावली, हवा बंगला, चंदन नगर, प्रगति नगर, विदुर नगर, बुद्ध नगर, कृषि नगर, स्कीम नंबर 54 और रेडियो कॉलोनी स्थित पानी की टंकियां पूरी तरह से खाली रह गई। जलूद के अंदर कल रात को लगभग 8:45 बजे हमारे फर्स्ट सेकंड फेज के पंप बंद हुए थे, उसके कारण हमारा जल प्रदाय प्रभावित हुआ है। साथ में रात को 11 बजे के आसपास हमारा जो थर्ड फेज का पानी है वो भी एक वाल लीकेज होने के कारण उसका भी पानी बंद हुआ था। जो थर्ड फेज पूरा 360 एमएलडी जो है सुबह के लगभग 5:45 बजे चालू हुआ है और फर्स्ट सेकंड फेज के भी पंप चालू हो गएंगे, और अभी हमारी लगभग 12 टंकियां खाली रह गई हैं, जिसमें प्रगति नगर, बिलावली, अन्नपूर्णा नगर, छतरीबाग, तिलक नगर और ये सी लगभग 12 टंकियां खाली रही हैं, और शाम तक ये पानी की स्थिति सामान्य होने की संभावना रहेगी। अगर ये ऐसा ही पानी चलता रहा तो शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, अभी पानी की इतनी किल्लत नहीं है।